फ्रेंड्स, आज का मौसम इस तरह का आप देख सकते हैं। ये सुबह का मौसम है और रोज़ प्रत्येक दिन जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो इस तरह आपको अपने यहाँ के मौसम का हालचाल बताते हैं। तो मौसम के हालचाल ये हैं कि मौसम बिल्कुल काला हो रखा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और हो सकता है, ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ी देर में बारिश होगी। ऊपर पहाड़ियों पे बारिश शुरू हो चुकी है, ये सामने आप देख सकते हैं, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं गोपाल बोगना, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आज हम अपने पोली हाउस फार्म में कुछ काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने जो वहाँ पे सब्जी के बीज बोए थे वो तैयार हो चुके थे और काफ़ी हमने प्रयोग में लाए थे, अब वो सारा वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर जो शेष जगह खाली है वहाँ पर हम कुछ पौध लगाएंगे, जैसे ये टमाटर की पौध हमारी हमने बोई थी तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, इसको हम पोली हाउस में लगाने जा रहे हैं। ये शिमला मिर्च की है, उसके बाद हम वहाँ पर बीन की बुआई करेंगे, ये बीन की बुआई तीसरी बार की बुआई हो रही है, और वहाँ पर राई बोएंगे वहाँ पर, और मूली वगैरह का बीज बोएंगे। तो इस वीडियो में आज खास होने जा रहा है, आप बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और फ्रेंड्स, मेरे पीछे से आप ये खेत देख रहे होंगे, ये पूरी हरियाली इस खेत में है, क्योंकि पिछली बार हमने इसमें अपने पावर टिलर से खुदाई की थी और सोचा था कि यहाँ पर राई वगैरह के बीज बोएंगे, लेकिन यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से हम कुछ बो नहीं पाए, क्योंकि खेत काफ़ी गीला हो चुका था। और उसका नतीजा ये है कि इसमें दोबारा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खरपतवार उगाया है। अब दोबारे की हमारे लिए मेहनत हो गई है, दोबारा इस खरपतवार को हटाएंगे तो फिर हम इसमें बुआई प्रारंभ करेंगे। यह आप देख सकते हैं, इतनी खरपतवार इस खेत में दोबारा उगाई, और फिर हमने कल यहाँ पर इस तरह से खुदाई प्रारंभ की थी कुदाल से, लेकिन खेत काफ़ी गीला है तो सोचा कि थोड़ा धूप निकले, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से खेत में चला नहीं जा रहा है, और दो चार दिन बाद यदि खेत सूख जाएगा फिर हम यहाँ पे काम करना प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने पोली हाउस में कुछ बीजों की बुआई कर रहे हैं और इस काम में सहयोग कर रही हैं हमारी मिसेज अनिता जी। नमस्ते। और आप देख सकते हैं आज हम जो बीज यहाँ पे बो रहे हैं वो इस प्रकार से हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बीन अच्छी वाली और बिना रेशे की बीन है, और काफ़ी पैदावार इसमें होती है और काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। तो ये हमारी तीसरी बार की बीन की बुआई हो रही है, इससे पहले हमने बीन काफ़ी बीन निकाली और प्रयोग में लाई और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर उसको ख़रीदा भी। फिर ये हमारी राई के बीज हैं और ये हमारे मूली के बीज हैं, ये मूली की बुआई भी हम आज यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह शेष है तो हमने सोचा कि यहाँ पर ये बुआई कर लेंगे और कुछ पौध भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, बने रहिए कि किस तरह से हम आज यहाँ पर बुआई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बीज की बुआई के लिए इस तरह से मिसेज अनिता जी और हम यहाँ पर खेत तैयार कर रहे हैं, यह आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो फालतू पत्थर होते हैं इनको इस तरह से हटाना होता है, इस तरह से फालतू पत्थर। और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और इसमें इस तरह से जैविक खाद पहले से ही मिला रखी है।
तो फ्रेंड्स अब हम तैयारी कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे मेड़ बना देंगे, मेड़ के ऊपर बीन बोएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं आप सीधी सीधी ये यहाँ पर इस तरह की मेड़ हम बना देते हैं। ये मेड़ बन रही है और इसके ऊपर फिर लाइन से बीज को बोया जाएगा। और ये जगह जो होती है खाली जगह, यहाँ पे पानी डालना होता है, सिंचाई करनी होती है ताकि डायरेक्ट पानी बीन की जड़ों में न जाए, क्योंकि डायरेक्ट पानी जाएगा तो सड़ने की संभावना होती है। तो इस तरह का हम थोड़ा इसको मेड़ बना के उठा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे से मैंने बीन की बुआई के लिए ये खेत तैयार कर दिया है। इसमें मेड़ बन चुकी है और अब हम करने जा रहे हैं बीन की बुआई। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस तरह से ये मेड़ बन चुकी हैं पूरे खेत में और मेड़ के ऊपर अब हम बुआई करने जा रहे हैं। पूरे खेत में ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बीन की बुआई शुरू कर चुके हैं हम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेड़ के ऊपर और दुराई तकरीबन आप देख सकते हैं ये उंगलियों से इतनी दुराई इसकी होनी चाहिए। और इस तरह से बीज को ज़्यादा गहरा भी नहीं बोना होता है, ज़्यादा गहरा होगा तो बीज सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इस तरह से हम इसको बो रहे हैं, यहाँ पर बड़ी सावधानी से बीज को बोना होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बीन की बुआई कंप्लीट रूप में कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं खेत को, अभी हमने इसको दिखाया था जब हम खेत को खोद रहे थे और मेड़ बना रहे थे और उसके बाद मेड़ों के ऊपर हमने बीन की बुआई प्रॉपर कर दी है। ये देख सकते हैं आप पूरे खेत को और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने बीन बो चुके हैं ये छोटे छोटे बेड बना के। तो फ्रेंड्स बीन की बुआई के बाद अब हम ये खेत की खुदाई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने मूली के बीज बोने हैं और मूली के लिए अब खेत तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और मिट्टी काफ़ी अच्छी हो रखी है क्योंकि अभी हमने 5-7 दिनों से इसमें पानी नहीं डाला है तो इसलिए मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है। और मूली के पैदावार के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिट्टी है, ये देख सकते हैं आप। और खेत को अच्छी तरह से खोदने के बाद फिर हम यहाँ पर मूली के बीज बोएंगे और लगातार 1 घंटे तक अब यहाँ पर हम खुदाई करते रहेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स हमने मूली बोने के लिए खेत तैयार कर दिया है और लगातार 1 घंटे हमने यहाँ पे खुदाई की। अब तो काफ़ी थकान भी लग चुकी है, लेकिन हम जब यहाँ खेत को तैयार करके मूली प्रॉपर यहाँ पर बो देंगे उसके बाद ही आराम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये खेत हमारा, अभी हमने लगातार यहाँ पे खुदाई करके और बीच बीच में कुछ पौधे थे वो हमने निकाले नहीं है, ऐसे ही रहने दिया है उनको। और ये देख सकते हैं आप ये छोटा सा बेड यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है, इसमें कंपोस्ट मिला दी है और अब हम यहाँ पर मूली के बीज बोने जा रहे हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ये मूली के बीज हैं, आप देख सकते हैं ये पैकेट से मैंने हाथ पर निकाल दिए हैं और इनको छिड़क के बोना होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने यहाँ पर ये प्रॉपर इनकी बुआई कर दी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनको छांटे छांटे करके इनको बोना पड़ते हैं, ये इस प्रकार से हमने प्रॉपर इसको बो दिया है। और अब हल्का सा इनमें मिट्टी चढ़ा देनी है, ये पूरा पैकेट हमने इस बेड में बो दिया है। तो फ्रेंड्स मूली के बीज हमने ये खेत में छिड़क दिए हैं और उसके बाद हल्की सी मिट्टी इनके ऊपर चढ़ानी होती है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से कुदाल से इनको ज़्यादा गहरा भी नहीं डालना है, केवल थोड़ा थोड़ा मिट्टी इस तरह से चढ़ा देना है ताकि ये आराम से उग पाए। और ये देख सकते हैं इस तरह से हम कुदाल से हम इनको बो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने मूली प्रॉपर यहाँ पे बो चुके हैं और खेत को फिर अच्छी तरह से प्लेन कर दिया है और मूली को बो के फिर उन पर मिट्टी चढ़ा दी है। यह आप देख सकते हैं ये खेत को अच्छी तरह से खोद के
फिर उसमें कंपोस्ट मिला के, जैविक खाद मिला के, फिर बीज बो के, ये सारी प्रक्रिया हमने आपको दिखाई। और उसके बाद हमने अच्छी तरह से बीज बो के उन बीजों को मिट्टी से अच्छी तरह से ढक लिया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर हमने मूली के बीज ये बो दिए हैं। और उससे पहले हमने यहाँ पे बीन बोई थी, ये भी अच्छी तरह से खेत तैयार करके, और ये प्रॉपर हम बो चुके हैं। और पूरा हमें इस खेत को बनाने में 4 घंटा लग गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।